please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मॉनसून की बारिश ने अब पूर्वी और उत्तर भारत में भी दस्तक दे दी है। असम से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कों के साथ कई जगह मकानों और दूसरी इमारतों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले यूपी में ही पिछले एक महीने में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश और जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाढ़ के बाद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कानपुर शहर से लेकर गांवों तक तमाम इलाकों में गंगा और पांडू नदी ने अपना कहर बरपा रखा है। पांडू नदी के किनारे बसे मर्दनपुर, हीरापुरवा समेत दर्जनों गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। वहीं गंगा किनारे बसे बिचूर, ईश्वरीगंज समेत दो दर्जन से ज्यादा गांव के लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और इस बाढ़ से आम जनता के साथ नेता भी अछूते नहीं रहे। सपा से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह का आवास भी पांडू नदी की बाढ़ में आ चुका है। बाढ़ से प्रभावित लोगों तक नाव के सहारे मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है और पानी में डूबे घरों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। यहाँ के कम से कम 150-200 घर डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ कोई मदद करने नहीं है, ना ही यहाँ कोई वैसी सुविधा मुआवजा कराएगी। आधे से ज़्यादा वो भी डूब चुका है और उनके अंदर भी पानी चला गया, सामान सब खराब हो गया है। अंदर गांव के कई घरों में, मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जो कि पानी जिसके अंदर ना गया हो। और तेज बारिश से लखनऊ एयरपोर्ट परिसर पर भी जलजमाव की खबरें आई है। तस्वीरें वहीं की दिखा रहे हैं। जलजमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट बिल्डिंग के सामने सड़क जलमग्न हो जाने की वजह से पंपिंग सेट के जरिए पानी निकालने की व्यवस्था की गई। एयरपोर्ट परिसर में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यही हाल पार्किंग पैरिस से एयरपोर्ट के अंदर आने जाने वाली रोड का भी है, जबकि गोल चौराहे के पास भी सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से मणिकर्णिका घाट का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। घाट किनारे पर बने ज्यादातर मंदिर भी डूबे नजर आ रहे हैं। मसन्नाथ का मंदिर भी डूब गया है। यहाँ चिताओं को जलाने के लिए बना मुख्य प्लेटफॉर्म डूब जाने के बाद घाट के ऊपर की सीढ़ियों और छतों पर शवों को जलाया जा रहा है। कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। गंगा माई हमेशा इसी तरह रहे थे, कभी वो खेतों में पानी का, सिंचाई का हर व्यवस्था होता रहेगा। कोई समस्या नहीं है, सिंचाई हो रहा है, छत पर हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पहले नीचे होता था, अब नीचे बंद हो गया, अब उसके ऊपर हो रहा है। यूपी में बारिश बीते 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और राज्य की सभी बड़ी नदियां उफान पर। और इसी बारिश के कहर के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी और गोंडा का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सर्वेक्षण के दौरान नदियों के किनारे बसे उन लोगों की परेशानी दिखाई दी जो कि मदद के इंतजार में फंसे हैं। असम में जोरहाट में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे नंबर 37 पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके बाद वहां से गुजर रही कई गाड़ियां खराब हो गई। असम में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं, जबकि कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नेशनल हाईवे नंबर 37 पर भारी बारिश के बाद कई गाड़ियाँ पानी में फंस गई, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में पानी भरने की वजह से कई लोग वहां फंसे हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने पानी में उतरकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखी। असम के दूसरे इलाकों में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद की। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों में तेज कटान देखी जा रही है। पिछले 4 दिनों में कटान से इन गांवों की करीब 20 बीघा जमीन गंगा में समा चुकी है, जिसे देखते हुए गांव वालों में दहशत भी है। लोगों ने अपने घर और जमीन को लेकर चिंता
जाहिर की है, जिसके चलते गाँव वालों ने प्रशासन से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वही जिला प्रशासन कटान को देखते हुए बचाव और राहत के लिए लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है। कई सालों से करंडा ब्लॉक के 3-4 गांवों में भयंकर कटान होती है। कटान की जद में केवल भूमि ही नहीं, लोगों का घर भी हो जाता है। और इस साल केवल एक दिन में 5 बीघा जमीन बड़हरिया की गंगा में समाहित हो गई। हम लोग प्रत्येक दिन जो गंगा में जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और हमारे पास ये आंकड़ा है कि मिनिमम फ्लड लेवल में कौन सा गांव प्रभावित होगा, मीडियम लेवल पे कौन सा गांव प्रभावित होगा, और उच्च स्तर पर कौन से गांव प्रभावित होगा, और आबादी को नदी की कटान से बिल्कुल कटने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं। पिथौरागढ़ का ये इलाका जहां पर दामरा घाटी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, रास्ता बंद है, जिस वजह से लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से 2 महीने पहले जमींदोज हो चुकी सड़कों की हालत अब भी नहीं सुधरी है, जिससे 300 से ज्यादा परिवार फंस चुके हैं। इनका संपर्क बाकी दुनिया से कटा हुआ है। आलम यह है कि यहां लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पहाड़ी रास्तों को पार करते वक्त हादसे की आशंका लगातार बनी रहती है, और ये लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खतरनाक रास्तों को पार करते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रामझूला घाट पर एक कांवड़ श्रद्धालु गंगा में नहाते वक्त अचानक तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद घाट के आसपास हड़कंप मच गया। लेकिन घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम के एक जवान ने गंगा में बहते हुए श्रद्धालु को बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी, तभी एक दूसरा जवान भी उसे बचाने के लिए गंगा में कूद पड़ा। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल के लोगों ने गंगा में डूब रहे व्यक्ति को बाहर निकाला। नदी के किनारे है तो कृपया ध्यान रखना, कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से या बाढ़ वगैरह इस तरह का नदी में बढ़ने के समय अपना अपना निजी वो संपत्तियां हैं या अपने लाइफ है उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा सेफ प्लेसेस में उनको जाना पड़ेगा। देहरादून में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, कई इलाकों के घरों में बरसाती पानी घुस गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग घरों में कैद हो गए हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन समेत एसडीआरएफ की टुकड़ियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वहीं प्रशासन ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तस्वीरें दिखाते उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की, जहां पर भारी बारिश की वजह से शहर का बुरा हाल है। शहर की सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है। लोग घुटनों भर पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरीके से इस पानी में डूबी हुई है। आगरा की तस्वीरें, जहां पर यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। नदी का पानी किनारों से बाहर आने लगा है। गोकुल बैराज से आगरा के लिए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 1 फीट नीचे है। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेचैन हैं। इन इलाकों में प्रशासन के जरिए बुनियादी कराई जा रही है, ताकि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा सके। इतना बढ़ चुका है और डर इससे के मतलब निचले इलाके हैं जो इससे ज़्यादा ना बढ़े, 1-2 बारिश और होती है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। खतरे का तो है ही, पेड़ वेड़ होते तो कम से कम कटाव नहीं होता इनका, डर लगा रहता कि कोई नदी वदी कट न जाए। आगरा शहर के जो निचले इलाके में उधर लोग दहशत में आ चुके हैं कि यमुना का जलस्तर जिस तरीके से अपने रूप में आती जा रही है, उस प्रकार लोगों की दहशत बढ़ती जा रही है। कानपुर के बलहौर में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पहुंची पुलिस खुद ही फंस गई। पानी में फंसी पुलिस की डायल 100 गाड़ी को घंटों मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका, जिसके बाद गाड़ी को क्रेन मंगवाकर पानी से बाहर खींचा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता धरना प्रदर्शन करने वाले हैं।
धरना प्रदर्शन में विपक्ष के अन्य नेता भी शामिल होंगे। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव ने प्रदर्शन के में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शामिल होने का दावा किया। आज आरजेडी का प्रदर्शन है दिल्ली में, धरना प्रदर्शन के बाद कैंडल मार्च होगा इंडिया गेट तक। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं दिल्ली में, और आप देख सकते हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। 4 बजे वक्त निर्धारित किया गया है धरना प्रदर्शन का, 6 बजे के आसपास जो है कैंडल मार्च किया जाएगा। दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस धरने में शामिल होंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तमाम लोगों को बुलाया गया है। विनोद श्रीवास्तव हैं आरजेडी के नेता, हैं बिहार में वरिष्ठ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों को देख रहे हैं। कोई बैनर पोस्टर अब तक नहीं लगाया गया। देखिए, चूँकि तमाम नेता इसमें इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के सभी लोग नेता लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का निर्णय हुआ कि भाई राजद का बैनर नहीं लगे, और कोई बैनर नहीं लगे तो अच्छा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और आम पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल साहब आ रहे हैं, शरद यादव जी आ रहे हैं, जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं, और कई वरिष्ठ नेतागण आ रहे हैं इसमें, और आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश यादव आरजेडी के सांसद मौजूद हैं। क्या आप लोग मांग करेंगे? इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी जो है हक हासिल नहीं है, इसलिए इसके नीचे जो है पाप पलता रहा, बढ़ता रहा, और जो है दुष्कर्म के घटनाओं को सत्ता पोषित संरक्षण मिला। ये सुशासन नहीं, ये महापाप का शासन है, काला शासन है, और इंसानियत मर चुकी है। कैसे इन सब बातों की चर्चा किया जाता है और पर्दा डालने का काम किया जाता है? हमने अमुक चीज कर दिया, 3-3 महीना तक चुप्पी साध के रखने का काम किया गया। इसलिए जो है आज के तारीख में जो है इन सवालों को लेकर के जंतर मंतर पर हम लोग जो है यहाँ कैंडल मार्च करेंगे, धरना देंगे। कैंडल मार्च किया जाएगा आरजेडी की तरफ से, विपक्ष के दूसरे नेता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, और यही कहना है आरजेडी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव का कि मौजूदा सरकार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।